हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 55 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, अध्यापक को पाठ पढ़ाने से पूर्व क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाना चाहिए, उसे पाठ का मुख्य उद्देश्य बताना चाहिए, उसे सर्वप्रथम पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहिए, उसे सर्वप्रथम पाठ के प्रश्नों का उत्तर बताएं। तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कोई टीचर पाठ पढ़ाना शुरू करेगा तो सबसे पहले उसे पाठ के उद्देश्य जो है बच्चों को बताना चाहिए, ताकि जो बच्चों में उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न हो और बच्चे अधिगम में अधिक रुचि ले सके। ऑप्शन आपका बी राइट है। 57 आपका क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन है, आप कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाओगे। आपकी क्लास में कोई कमज़ोर विद्यार्थी है तो ऑप्शन ए है, आप उसे रोज़ाना नए तथ्यों वाली नई पुस्तक दोगे, उसे मेधावी छात्र के साथ पढ़ाओगे, आप उसे अलग से समय देकर पढ़ाओगे, आप उसे बताओगे कि जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। तो अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी है तो उसे हम अलग से समय देकर पढ़ाया देंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, आप शरारती और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। उसे दंड देंगे, उसमें सुधार होने के बाद उसे पढ़ाएंगे कि तुम्हें कोई पनिशमेंट दे दी, सुधर जाओगे तब पढ़ाएंगे। दूसरा है, आप उसे इससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे। तीसरा है, आप नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे। आप केवल ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे जो नशा नहीं करते हैं। नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। तो यहाँ पर आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, बच्चों को इससे जो सेवन कर रहे हैं उसको बताएंगे कि इससे क्या बीमारियाँ होती हैं, तो वो बच्चे समझेंगे, उसके बाद उनको ये चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसे पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, आप एक अध्यापक हैं और आपका स्थानांतरण गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। पहला ऑप्शन है, कुछ समय शहर में रहेंगे उसके बाद पढ़ाने जाएंगे। आप अपने अध्यापन कार्य का कोई शुल्क नहीं लेंगे। आप आधुनिक माध्यम जैसे इंटरनेट इत्यादि की सहायता से पढ़ाएंगे, ठीक है, इंटरनेट की मदद लेंगे। आप अन्य अध्यापकों के साथ बात करेंगे, उसके बाद आधुनिक तकनीकी से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, पहले वहाँ के अध्यापकों के साथ बात करेंगे कैसे बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, कैसे क्या होता है, उसके बाद हम इंटरनेट जैसी चीज़ों का मदद लेके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन डी बेस्ट है आपका। 61, विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। स्कूल में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, केवल उन्हीं प्रश्नों को याद करना चाहिए जो परीक्षा में आए, ताकि बच्चे फर्स्ट आ सके। स्कूल में अध्यापक और घर में अभिभावक के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। अपनी आदतों या रुचियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपका बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अपनी जो आदत है, अपनी जो रुचि है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बेस्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कुछ शरारती विद्यार्थी हैं तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे। बिना ध्यान दिए आप पाठ पढ़ाएंगे, उन बच्चों को छोड़ देंगे और पाठ पढ़ाते जाएंगे आप, नहीं। उन्हें समझाने के लिए आप मनोवैज्ञानिक रीति से पढ़ाएंगे, आप उन्हें अभिभावकों को बुलाएंगे उनके और उनकी मनोदशा के विषय में बताएंगे, आप प्रधानाचार्य से उन्हें निष्कासित करने का अनुरोध करेंगे। बिल्कुल अनुरोध तो बिल्कुल निष्कासित करने की तो बात ही नहीं सोचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मेन बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप उन्हें समझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक रीति, एक ढंग का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम उन्हें पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। 63 नंबर क्वेश्चन,
नियमित अंतराल पर अन्य प्रबंधकों से मिलने, अनुभवों, चुनौतियों और समाधान को संज्ञा करने, प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ का निर्माण करने और एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर, स्वशिक्षा कार्यक्रम, अध्ययन चक्र, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध, सहकर्मी से सहकर्मी अध्ययन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, परावर्तन सत्र। तो इसमें आपको ऑप्शन बता देते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो आपका परावर्तन सत्र होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। प्रबंधक और उनकी टीम अपने कार्य की समीक्षा करने के लिए नियमित समय निर्धारित करते हैं, उन क्षेत्रों को पहचानते हैं जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है और सेवा में सुधार करने के तरीके खोजते हैं। इसे ही परावर्तन सत्र कहा जाता है, ठीक है। प्रबंधक अन्य कर्मचारी को कार्य सौंपता है, सहयोग देता है, इच्छित परिणामों के प्राप्त करने के बारे में बताता है। यही जो सत्र है वो क्या है, परावर्तन सत्र कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट बी है। 65 नंबर क्वेश्चन, सहकर्मी अध्यापन तकनीकी में शामिल है, नेटवर्क, अध्ययन चक्र, परावर्तन सत्र, अध्ययन पाठ्यक्रम। तो यहां पर नेटवर्क, अध्ययन चक्र और आपका परावर्तन सत्र, ये तीनों जो है सहकर्मी अध्यापन तकनीकी में शामिल है, चौथा वाला नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक यू।